गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो बज रहे हैं सुबह के 12 दिन के, सॉरी मूला गिर गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो बज रहे हैं दिन के 12, मैं जा रही हूँ आज गैस, ये क्या बनाने जा रही हूँ मैं, आलू मूले की थिचौनी आज भात। वो एक्चुअली हुआ कल क्या था, कल मेरा विचार कल ही था कि आलू मूले की थिचौनी बना रहे हूँ, क्योंकि कल मेरी सासू माँ जा रहे हैं गाँव, नहीं जा रहे हैं पंजाब जा रहे हैं, गाँव से शहर जा रहे हैं, मतलब पंजाब जा रहे हैं। तो मेरा विचार कल था आलू मूली की थिचौड़ी बनाने का, तब तक कल क्या हुआ, कल का गेस्ट आ गया हमारे घर पे, तो मैंने विचार कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब गेस्ट आते तो फिर थिचौड़ी वगैरह नहीं बनाते, थिचौड़ी वगैरह हम घर में ही बनाते घर की चीज़, क्योंकि ऐसा होता ना कि सामने वाले के दिमाग में क्या है ना, जब गेस्ट आता तो दाल वाल बन जाते, तो मतलब मेरे दिमाग में कल था कि यही बनाना है, लेकिन तब तक गेस्ट आ गए तो फिर उसके बाद हम, मेरी सासू माँ ने बोला कि दाल चढ़ाते, तो फिर दाल चढ़ाई हमने। बट आज मैं फाइनली बना के रहूँगी आलू मूली की थिचौड़ी, क्योंकि वो जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे कल जा रहे, इसलिए आज बना रही हूँ। तो चलिए आलू मूली की थिचौड़ी बना के आज थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है, आज हमने नाश्ता भी लेट किया था, क्योंकि डाइवर्ट हो रहे थे आज, जबकि मैंने उसको पता 9 बजे नहला दिया था वेदिका को, हो जाना चाहिए काम ख़त्म, पर थोड़ा हो ही जाता ना कभी कभी। चलो ठीक, तो दिन का खाना पीना हमने खा लिया है। तो आपने जो अभी वीडियो देखी वो है आज वाल्मीकि जयंती, जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग मतलब जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही शुद्धि बोलती, तो जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, तो उसमें से कुछ लोग वाल्मीकि जी को अपना मतलब भगवान मानते हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल से कल थी, तो आज मना रहे हैं है ना, तो शायद क्या आज ही मनाते होंगे, एक दिन छोड़िए बनाते होंगे, मुझे पता नहीं है, पर आज ये इनकी झांकी वाकी निकली। वैसे तो ये कैसे क्या करते हैं, करतब दिखाते हैं, पर मेरे ख्याल से गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी ना, नहीं तो मैं आपको वो सूट करने ही वाली थी मैं, तब तक पता नहीं, पहले वो दिखा रहे थे वो करतब वगैरह दिखा रहे थे, जो मतलब ऐसे फाइट वाइट करके दिखा देगी इस टाइप से फाइट वाइट करके ना, पर फिर पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया कि गाड़ियाँ खड़ी की क्या है, फिर नहीं हो पाया, नहीं दिखाया उन्होंने करता वर्ता, नहीं तो बहुत अच्छा मतलब एक प्रोग्राम टाइप का बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। तो इधर साइड सारी गाड़ियाँ थी, तो जिससे कि उन्होंने नहीं दिखाया, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, फिर सीधे चले गए, अब मेरे ख्याल से आगे जाके कहीं करेंगे तो करते हैं दिखाते हैं अपना। तो रामलीला भी चल रही है और मैं करता भी दिखा रहा, तो रामलीला देखने हम जाते नहीं है बेसिकली, मतलब अब छोटे सब कहाँ जाना है ना, पर कल हमारे घर पर जो जो गेस्ट आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे क्या मतलब मम्मी जी के पास बोला था कि सासू माँ के पास बोला था कि हमने रामलीला देखने जाना, तो माँ जी ने कल जाना है उन्होंने पंजाब, कहीं जाना है उन्होंने पंजाब जाना है, क्या बोला पंजाब ही जाना है उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि कभी ये आएगी तो इनके साथ चले जाना रामलीला देखने, तो मैंने कहा तो ठीक है, जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी रहेगी उसी दिन जा सकती हूँ, वैसे नहीं जा सकती मैं, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी का मतलब ये है कि जैसे वो अगर छुट्टी पे है तो मैं छोटी को उनको पकड़ा के तब जाके जा सकती हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं छोड़ के ना उसको, हाँ तो वैसे नहीं जा सकती मैं, वैसे मुझे कोई शौक नहीं है रामलीला देखने का, मैंने एक तो वहाँ ठंडा है, वैसे मैं ठंडे में नहीं रहना मुझे, तो पैकिंग वैकिंग सब हो गई है माँ जी की, बैग वैग सब पैक कर लिया, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये उनका बैग पैक हो चुका है और अभी वो जा रखे हैं अपने साथ वाली मैडम आंटी जी से मिलने के लिए, दगड़िया जैसे दोस्त के तरह, वो सबकी एक एक दगड़े होती है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं घर परिवार तो अलग है, लेकिन सबकी एक एक दगड़े होती है, पर्सनल दगड़े होती है जिसको हम बताते ज़रूर है ना। तो उनके हो गए हैं 1 2 3 बैग हो गए उनके, बड़ा भारी, कहीं जाना होता ना भाई पहले एक दिन पहले ना, जिनको उल्टियाँ उल्टियाँ होती है ना उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ना उल्टी वाले ही समझ सकते हैं ये दिक्कत। मैं तो सोचती हूँ कसम से अगर यहाँ से अब
कहीं दूर ऑटो भी जाता तो मैं ऑटो में बैठ के जाती, मुझे कार में, हाँ एक ट्रेन में नहीं आती, एक ऑटो में और एक साइकिल मोटरसाइकिल में नहीं आती। बाकी तो मेरा सर ऐसा घूमता है और मुझे उल्टी आती है बहुत अच्छी, मुझे तो गंदा लगता है जैसे, मुझे ट्रेन का सफ़र सबसे लगता है, बस भी गंदी लगती है मुझे। मैक्स ठीक है पर फिर भी सर तो घूमता ही है। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं मतलब सुबह से ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि वेदिका को तो आज मैंने जल्दी, आज पता क्या हुआ मुझे लेट क्यों, आज हमने पता क्या 10:30-11 बजे 10:45 बजे नाश्ता किया। क्या हुआ था, नाश्ता वास्ता सब हो गया था, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता मतलब मैंने वेदिका को नहला दिया था, उसके बाद नाश्ते में फिर हाँ मैं नाल निकालने लग गई थी, मेरी सासू माँ के नाल चढ़ी थी ना, तो मैं उनके नाल निकालने लग गई थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ लग गया था। और फिर उसके बाद मतलब लटपट 10:30-11 हो गए, जबकि नाश्ता भी मैंने 8:30 बजे तक तैयार कर दिया था, फिर भी लटपट आज पता नहीं कैसे हो गया सारा टाइम। अब देखो थोड़ा थोड़ा आज धूप, वैसी वाली धूप नहीं, आज हमने वेदिका को धूप नहीं दिखाई क्योंकि ना आज हल्की वाली धूप थी, वैसी वाली धूप नहीं, जैसे प्रॉपर एक धूप चाहिए थी वैसी वाली धूप नहीं थी, फिर भी उसको नहला के हमने उसको बिस्तर के अंदर रख दिया था। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, वो थक गई काम करके, बर्तन शर्तन सब कर लिए मैंने, तो मैंने खाना भी बना दिया, खाना भी रखा, खाना भी खाते बर्तन धोए थे, अब थोड़ा आराम करती हूँ मैं, वेदिका के पास जाते उठ गए होंगे वो। कैसे हैं आप सब, तो मैं अब चार बजे चाय बनाने के लिए तो पैकिंग वैकिंग सब टूट गई, मैं शाम की चाय, मैं आपको शाम का रूटीन दिखाती हूँ मैं क्या है मेरा, जो एग्जैक्ट रूटीन है मेरा वो क्या है। सबसे पहले खुलूँगा मैं मंदिर का पर्दा, तो 5 बजे आती हूँ मैं मंदिर का पर्दा खोलने। ये मैं पर्दा खोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर है मेरे सासू माँ के कान्हा जी, दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये हैं, इन्होंने आराम कर लिया है, और ये उन्होंने रखा है तुलसी माता, और ये है उनके कान्हा जी, तो ये दिन में सो जाते हैं और शाम को 5 बजे ठीक उनके उठने का टाइम है, और ये है यहाँ पर रखा हुआ शंख। तो कल कान्हा जी चले जाएंगे सासू माँ के साथ, और ये यहाँ पे हैं इनके गुरुजी हैं, ये भी गुरुजी है और ये भी गुरुजी है, बाकी यहाँ देख सकते हैं आप, और भगवान जी है सब। तो मेरा अब मैंने इनके लिए करना है शाम को, जैसे हम लोग चाय पीते हैं है ना, आदत होती है सभी चाय पीने की इसे की, तो इनको भी इस टाइप से हम भोग लगाते हैं शाम को, इनको भी हम दूध चढ़ाते हैं, मतलब कुछ भी अगर आपके घर में कुछ भी है, माना कि दूध नहीं है, कोई फल आ रखा है तो फल लगाते हैं भोग, जैसे हम शाम के टाइम पे नहीं होता एक स्नैक्स टाइप्स के बोल सकते हैं हम, स्नैक्स में हम कुछ लेते हैं ना, तो इस टाइप से, तो मैं उनको लगाऊंगी भोग, दूध लगाऊंगी भोग में, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये मैंने कान्हा जी के लिए इस तरीके से दूध गर्म कर रखा है, और अब एक तरफ चढ़ाऊँगी मैं, एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ, ठीक है दोस्तों रुकिए। तो दोस्तों एक तरफ और कान्हा जी का दूध गर्म, और एक तरफ बनी हमारी चाय, तो सासू माँ तो चाय पीते नहीं है अभी, वो घर पे नहीं है, तो वो कीर्तन में जा रहे हैं, तो मैं और हस्बैंड पियेंगे चाय, तो बना रही अदरक वाली टपटपी चाय, अदरक वाली चाय तो दिल छू जाती है, कितनी मस्त लगती हो चाहिए ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब एक चीज़, तो दोस्तों ये ग्लास दिखाते हैं मैं, ये है स्पेशली ग्लास, आप इधर साइड देख सकते हैं, ये जितने भी बर्तन है ना इस साइड पे, ये मंदिर के बर्तन हैं, इनमें हम में से कोई खाना नहीं खाता, अगर खाना बनाने में यूज़ हो रहा तो हो जाता है, वैसे खाने के लिए कोई यूज़ नहीं होता है, ये स्पेशली ग्लास मंदिर का ग्लास है, इसे हम यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी नहीं, अपने खाने में यूज़ नहीं करते इसे, ये सिर्फ मंदिर के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, तो ये रहा हमारा दूध का ग्लास, अब मैं चलाऊंगी इनको।
तो इनमें हम रखते हैं एक ये तुलसी का पत्ता है जो कि हम हर खाने में डालते हैं, चाहे हम अगर ये मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने कर दिया मंदिर बंद। तो मंदिर बंद करने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे मेरे सासू माँ के कान्हा जी को हम भोग लगाते हैं तो मतलब पर्दा बंद कर देते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि वो मतलब मुझे सब बताते हैं कि पर्दा बंद करके खाना खाते हैं वो। तो अब मैं उसके बाद डायरेक्ट निकालते नहीं हैं, उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने आपको लगा दिया भोग, तब तक मेरी पकड़ी चाय, मैं चाय दिखाती हूँ। तब पकड़ी चाय, मैं चाय डालने का सामान खोलती हूँ। अदरक वाली चाय तो सबको ही पसंद होती है मेरे ख्याल से, पर सर्दियों में ना अदरक वाली चाय पीनी भी चाहिए, जरूरी है। ज़रूरी इसलिए कि सर्दियों में सर्दी जुकाम लगता रहता है, तो अगर आप अदरक वाली चाय कंटिन्यू रखेंगे तो आपको इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे, मतलब नहीं लगेगा आपको सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम अलग बात हो गई, और स्वाद अदरक वाली चाय का स्वाद तो वही लोग जानते हैं जो अदरक वाली चाय पीते हैं, है? अब देखिए मैं इनका चेंज करूँगी। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे उनको ताली बजा के उनको मतलब बताना पड़ेगा कि ये मैं चेंज कर रही हूँ इस टाइप से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया। मैंने जो भोग है, जो मैंने आपको अपनी गुरुजियों की फोटो दिखाई थी ना, तो पहले भोग कान्हा जी खा रहे थे, ऐसा मेरी सासू माँ मतलब भी समझे, जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले भोग लगा कान्हा जी को, पहले कान्हा जी ने खाया, और उसके बाद जो उनके जो गुरु जी वगैरह हैं सेकंड भोग उनको लगता है उन्होंने खाया। चलिए तक भोग लगा, हम चाय पीते हैं, मैं चाय सर्व करती हूँ। चलिए दोस्तों मैं जाती हूँ चाय लेके, थोड़ा सा और चिप्स नहीं है, नहीं तो मैं चिप्स खाती, चिप्स जो कभी ख़त्म हो गए थे। देखते हो अगर हस्बैंड नमकीन लेके जाएंगे तो खाली चाय में मज़ा नहीं आता ना, नमकीन रखते हैं कुछ भी बस बिस्कुट कुछ नहीं है, मैं खा लेती हूँ। मैंने बचा पाती सब चीज़, सब कुछ खा लेती हूँ। आटा हाँ, तो हस्बैंड जा रहे नमकीन लेने के लिए चाय अकेले के लिए, खाली खाली चाय पी जाती ना, मुझे तो अच्छा भी लगता खाली खाली चाय पीना ना, तो वो जा रहे नमकीन लेने के लिए। यही ऐसी लगता 10 रुपये का पैकेट नमकीन का, तो चाय नमकीन चाय बिस्कुट ऐसे ठीक लगता मुझे। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखो हाँ ये ऊपर दिख रहा है, ये पता क्या है, ये है लेमन ग्रास का पेड़ है हमारे पास, मेरी सासू माँ ने काट दिया इसे, ये रखो बड़ा बड़ा। तो चलिए चाय रखी है मैंने,
उसके पापा गए नमकीन लेने, नमकीन ज़्यादा दूर मतलब दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, एक मिनट का रास्ता भी नहीं है पूरा। ऐसी है 5, हमारा बाज़ार तो यहीं है, मतलब हमारा बाज़ार क्या, हमारा घर ही बाज़ार में है, सतपुली बाज़ार में, तो उसका टाइम लगता है बाज़ार में, एक मिनट से भी कम, एक मिनट में इंसान मतलब जाके आ जा सकता है बाज़ार से, इतना पास है हमारा। तो अभी देखिए छोके उठ गई आगे, ये चाय और नमकीन का एंजॉय कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, जो नमकीन खाने के शौकीन है वो बता सकते हैं ये कौन सी वाली नमकीन है। तो चलिए अब तक चाय पीते, तब आपसे बातें करते हैं। कैसे बचा? तो दोस्तों वैसे तो करवा चाहते हैं बहुत सारा सामान मतलब लाते हैं, तो मैं इमरजेंसी में गई, मैंने आपको बताया था हमारा बाज़ार तो यहीं पे है, तो मैं कल मेरी सासू माँ जा रहे थे क्योंकि उनका प्लान परसों का था, तो मेरा विचार ये था कि मैं कल जाऊँगी ना मार्केट, पर उनका अचानक से प्लान होने गया, तो अचानक से फिर मैं इमरजेंसी में गई, तो मैं कुछ नहीं लाई, ज़्यादातर मैं लाई बस बिंदी और ये जो एक स्वागत का सामान होता है, जल्दी बारे में चूड़ी लाना भी भूल गई मैं। चलिए पहले उनका परसों का प्लान था, तो मैंने सोचा कि कल आराम से शॉपिंग कर दूँगी, बट अब उनका अचानक से प्लान बन गया, तो इसलिए जो मुझे इमरजेंसी में हाथ लगा मैं लेके आ गई। तो चलिए दोस्तों मैं करती हूँ कपड़े चेंज, ये मैंने ठंडी वाश भी पहन रखा है, तो मैं करती हूँ कपड़े चेंज, थोड़ी देर आपसे मिलते हैं, खाना मैं जाऊँगी जब मैं। ये एक ये है, एक ये है। चलिए दोस्तों खाना पीना बनाते हैं।